शेखरिया। हाँ, जरा 2 मिनट। हाँ, फिर क्या हुआ? आपको पूरा यकीन है कि यह खून इंस्पेक्टर नारायण ने ही किया है? जी हाँ सर, मुझे पूरा यकीन है। वो लड़की या आप, मेरा मतलब है कि इसमें कोई गलती की गुंजाइश तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं सर, आइडेंटिफिकेशन के अलावा सारे सबूत ये बताते हैं कि खून नारायण ने ही किया है। किसके कहने पर और किस वजह से, या तो वो खुद बता सकता है या मैं उससे पूछ लूं, और इसके लिए मुझे उसकी गिरफ्तारी का वारंट चाहिए। और सर, लड़की को महफूज रखने के लिए एक सेफ जगह भी चाहिए। सर, मैं अपने डिपार्टमेंट में ना जाकर आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि मेरा अपने डिपार्टमेंट पर से भरोसा उठ गया है। डोंट वरी, मैं होम सेक्रेटरी से कहकर आपकी रिक्वेस्ट पूरी करवा देता हूं। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। सुनिए, आप जरा अपना ख्याल रखिएगा और यह बात किसी से कहिएगा नहीं, क्योंकि मुझे यह मामला बहुत पेचीदा और खतरनाक नजर आता है। मैं चलता हूं सर। हेलो, मैं बोल रहा हूं। हाँ सर, बोलिए। बेवकूफ, इंस्पेक्टर शेखर तुम्हारी तलाश में है क्योंकि लड़की ने तुम्हारी तस्वीर पहचान ली है। लेकिन सर, बोलो मत, सिर्फ सुनो। पहले शेखर को रास्ते से हटाओ, लड़की का पता मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ये उसकी बीवी का घर है। जैसे वो घर से बाहर निकल के जीप की तरफ बढ़े, तुम गाड़ी बढ़ा लेना, बाकी मैं संभाल लूंगा। बेटी, मैं जानता हूँ वो तुम्हें बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है, और फिर बेटी, उसे अपनी गलती का पूरा एहसास भी है। पापा, मैं अब वापस नहीं जाऊंगी, और अगर आपने इस बात पर ज्यादा जोर दिया तो मैं समझूंगी कि आपको मेरा यहाँ रहना शायद पसंद नहीं। बेटा, तुम अच्छी तरह जानती हो ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो हर तरह तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। और बेटा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारी खुशी उसी के साथ है, उसी के पास है। अब नहीं। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम उससे प्यार नहीं करती? बोलो। नहीं करती। शेखर बेटा, उसका जख्म अभी ताजा है, तुम समझदार हो, जरा समझने की कोशिश करो। आई अंडरस्टैंड सर, उसका दुख मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं। आई डोंट ब्लेम हर,
अच्छा मैं चलता हूँ। टेक केयर माय सन, टेक केयर। जी। साथ मेरा ओ हम नवा।